तारा के ये कहने के बाद कि गिरधर महाराज अब नहीं रहे, पुजारी जी और सुमेर दोनों के होश उड़ गए थे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर सुमेर तारा की तरफ देखने लगा, जो अपने पिता के लिए दुखी हो गई थी। सुमेर ने गंभीर आवाज में कहा, माफ कीजिए, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल आपके पिताजी मेरे बाबा के खास दोस्त थे। तारा भावुक होकर बोली, कोई बात नहीं, वैसे क्या नाम है आपके बाबा का? ठाकुर सज्जन सिंह। सुमेर ने इतना ही कहा था कि तारा उसकी बात को काटती हुई बोली, पाली के सरपंच। तारा का इस तरह अपने गांव के बारे में पता होना सुमेर के लिए हैरानी भरा था, इसलिए उसने पूछा, जी हाँ सही पहचाना आपने, आप जानती हैं मेरे बाबा को और पाली को? तारा जो अब तक दरवाजे पर खड़ी थी किनारे होते हुए बोली, जी अच्छी तरह से, लेकिन पहले आप लोग आइए बैठिए, फिर बात करते हैं। तारा के आग्रह पर सुमेर और पुजारी जी घर के भीतर चले गए। तारा का घर बाहर की तरह भीतर से भी बहुत पुराना था, लेकिन भीतर की रख रखाव बहुत अच्छे से की गई थी। जरूरत भर की सभी चीजें थी उसके घर में। बाहरी बरामदे में दो लकड़ी की कुर्सियां और सामने एक लकड़ी का टेबल रखा था। सुमेर और पुजारी जी उन कुर्सियों पर बैठ गए। तारा ने मुस्कुरा कर कहा, आप लोग बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। इतना कहकर तारा भीतर पानी लाने चली गई। तारा के जाते ही सुमेर ने परेशान होकर पुजारी जी से कहा, अब क्या करेंगे पुजारी जी, एक गिरधर महाराज उम्मीद थे वो भी नहीं रहे। इससे पहले पुजारी जी कोई जवाब देते तारा दो ग्लास में पानी ले आई और टेबल पर रखती हुई बोली, पाली के बारे में कौन नहीं जानता, पाली गांव के अतीत से हर कोई वाकिफ है। और रही बात आपके बाबा की, तो पिताजी अक्सर उनकी बात किया करते थे। कैसे हैं आपके बाबा? सुमेर उदास होकर बोला, सालों से पैरालाइज्ड है, न बोल सकते न हिल सकते। सुमेर की बात पर तारा दुख जताती हुई बोली, ओह ये तो बहुत दुख की बात है। अच्छा आपने बताया नहीं, इतने सालों बाद आप लोगों को बाबा की याद कैसे आई? सुमेर पुजारी जी की तरफ देखने लगा। वे लोग नहीं चाहते थे कि उनके आने के मकसद का ज्यादा लोगों को पता हो और पाली गांव एक बार फिर डर का केंद्र बन जाए, इसलिए पुजारी जी ने बात बदलते हुए कहा, वैसे बेटी तुम यहाँ अकेले रहती हो, घर में कोई और नहीं दिख रहा? तारा अपने घर पर एक नजर डालती हुई बोली, जी मैं अकेली रहती हूँ। पिताजी के बारे में आपको पता ही है, उसके कुछ सालों बाद माँ भी नहीं रही, पिताजी के गम में वो भी बहुत दिनों तक नहीं रह पाई, तब से अकेली ही हूँ। सुमेर और पुजारी जी को तारा से सहानुभूति हुई। सुमेर ने हमदर्दी से पूछा, अब करती क्या है तारा जी? तारा वहीं दीवार पर लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोली, बच्चों को पढ़ाती हूँ, यही गाँव के स्कूल में टीचर हूँ। सुमेर ने उस तस्वीर में देखा जिसमें तारा कुछ बच्चों के साथ खड़ी थी। उसके बगल में ही कई और भी तस्वीर लगी थी जो तारा के कॉलेज और डिग्रियों के थे। सुमेर प्रभावित होकर बोला, वाह तारा जी, आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी यहाँ रहकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। आप तो किसी भी बड़े शहर में कोई शानदार नौकरी कर सकती थे। तारा सुमेर की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, और ऐसा कहाँ लिखा है कि बहुत पढ़ने के बाद हमें अपने गाँव अपनी मातृभूमि को त्यागना जरूरी है, तभी आपके ज्ञान या पढ़ाई या डिग्रियों की कद्र होगी। मेरे हिसाब से आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटने में ही उसकी सबसे ज्यादा कद्र है। वैसे आप भी तो अपने गांव में हैं, अपने लोगों के बीच क्यों? तारा के जवाब से सुमेर उससे बहुत प्रभावित हुआ था और बोला, बस मातृभूमि की सेवा। लेकिन तारा इस बात को खत्म करती हुई बोली, आप लोगों ने बताया नहीं, इतने वक्त बाद आप लोगों को मेरे पिताजी की याद कैसे आई? अब सुमेर के पास तारा की बात को नजरअंदाज करने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए वो लंबी सांस लेकर बोला, जैसा कि आपको पता होगा, पाली में सालों पहले उस बंजारन की वजह से क्या माहौल था, और उस वक्त जब उस बंजारन का वशीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले आपके पिताजी ने हमारे बाबा को कुछ तरकीबें बताई थी, कुछ उपाय दिए थे जिससे कि वे लोग तत्काल रूप से उस बंजारन को रोका जा सकता था, और हमें उसी उपाय की तलाश फिर से आन पड़ी है। और उसी की तलाश करते करते मुझे मेरे बाबा की एक डायरी मिली जिसमें आपके पिताजी के बारे में भी जानकारी मिली थी, लेकिन अफसोस कि उस डायरी में उस उपाय के बारे में कुछ नहीं लिखा था, इसलिए हमें लगा कि अगर हम आपके पिताजी से मिल लेते तो हमें कुछ मदद मिल जाती, और इसी उम्मीद में हम यहाँ आए थे। सुमेर की बात सुनकर तारा हैरानी से बोली, रुकिए रुकिए, आपको वो उपाय फिर से चाहिए? इसका मतलब कि वो बंजारन फिर से एक बार पाली में? तारा इतना बोलते बोलते चुप हो गई और सुमेर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, इतना ही नहीं, मौत का सिलसिला फिर से चल पड़ा है और गांव में एक मौत हो चुकी है और हमें जल्द से जल्द इसका कोई तोड़ चाहिए होगा। तारा कुछ सोचती हुई बोली,
लेकिन वो इन उपायों से कैसे काबू में आएगी? वो तो श्रापित है। वशीकरण ही उसका उपाय है। लेकिन उसके इस सवाल पर पुजारी जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी तुमने सही कहा, लेकिन अगर वशीकरण इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। गुरु देवदत्त जैसे सिद्धि प्राप्त पुरुष की मौत हो गई थी और हमें तो ये भी नहीं पता आज के समय में कोई वशीकरण ज्ञाता है भी या नहीं, और अगर है तो कहाँ है। इसलिए जब तक हमें कोई समाधान नहीं मिलता, हमें कोई एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे हम उसे कुछ समय के लिए ही सही रोक सके। तारा बड़े ध्यान से उनकी सारी बातें सुनती रही और फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, अच्छा तो ये बात है, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या आन पड़ी है आप लोगों के ऊपर। फिर वो कुछ सोच कर बोली, मैं इसमें आप लोगों की जितनी सहायता कर सकती हूँ वो जरूर करूंगी, लेकिन। पुजारी जी ने सवालिया नजरों से पूछा, लेकिन क्या, खुल के बोलो तारा। तारा ने कहा, लेकिन मेरे पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, मैंने कभी इस ज्ञान का उपयोग नहीं किया। मेरे पिताजी को जरूर कई सिद्धियां प्राप्त थी और उन्होंने मुझे भी काफी कुछ सिखाया है। जब बंजारन के सामने उनकी नहीं चली तो हम क्या कर पाएंगे। तारा की बातों से सुमेर और पुजारी जी की आंखों में सोई हुई उम्मीद फिर से चमक उठी और वो दोनों एक दूसरे को खुशी से देखने लगे। और पुजारी जी बोले, बेटा मेरा वादा है, मैं जरूर कोई ऐसा उपाय ढूंढ लूंगा जिससे हम बंजारन का वशीकरण करके उसे कैद कर पाए। आखिर मैं गुरु देवदत्त का शिष्य हूँ, लेकिन उससे पहले हम उसे और लोगों को मारने नहीं दे सकते। तारा ने पुजारी की बात सुनकर कहा, आपकी बात तो सही है, पर देखिए आप लोग खुश मत होइए, अभी कोई उपाय मिला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मुझे शुरू से सब कुछ बताएं कि ये परेशानी कैसे कहाँ शुरू हुई, तब मैं आप लोगों की कोई मदद कर पाऊंगी। तारा की बात सुनकर पुजारी जी जल्दी से बोले, हाँ बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद पुजारी जी तारा को सारी बातें बताते चले गए, कैसे ध्रुव और उसके दोस्त वहां आए, उसके बाद जो जो हुआ वो सब कुछ। सारी बात सुनने के बाद तारा ने गंभीरता से कुछ सोचते हुए कहा, तो ये बात है। अब तक वो शांत पड़ी थी क्योंकि उसे कोई माध्यम नहीं मिल रहा था जो उसका आवाहन कर सके। जैसे ही उसे कोई आवाहन करने वाला माध्यम मिला वो आजाद हो गई। खेल खेल में ही सही, उन लोगों से बड़ी गलती तो हो गई, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी जरूर होगा। पुजारी जी कुछ सोचकर बोले, अच्छा बेटी एक बात बताओ, बेटा क्या तुम्हें पता है कि उस समय तुम्हारे बाबा ने कौन सा उपाय दिया होगा बड़े ठाकुर को? क्या इस बारे में तुम कुछ भी जानती हो? तारा थोड़ी सी दुविधा में आ गई और वो कुछ सोचकर बोली, पुजारी जी मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मेरे बाबा मुझे पाली गांव के बारे में अक्सर बताया करते थे, और जहां तक मैं समझती हूँ बाबा ने वो वाला उपाय बताया होगा। रुकिए मैं आपको बताती हूँ विस्तार से। दूसरी तरफ पाली में ध्रुव और उसके दोस्तों ने भी सोच लिया था कि वो लोग पुजारी जी से बिंदिया की मौत वाली रात के बारे में बात करेंगे। हालांकि छलावा नहीं चाहता था कि वो लोग ऐसा कुछ भी करें जिससे पुजारी जी को बुरा लगे, लेकिन ध्रुव के समझाने पर वो मान गया था। ध्रुव ने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है हमें इस मामले में और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो क्यों ना हम अभी चलकर पुजारी जी से बात करें। क्यों छलावा, तुम क्या कहते हो? छलावा ने कुछ सोचकर कहा, इस वक्त हम बाद में भी तो जा सकते हैं, हो सकता है इस वक्त पुजारी जी बड़ी हवेली में हो, क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो गांव के माहौल की वजह से छोटे मालिक और पुजारी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि समस्या का हल कैसे ढूंढा जाए। छलावा की बात भी ठीक थी, लेकिन ध्रुव चाहता था जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले और वो इस गांव से बाहर निकल सके, इसलिए उसने कुछ सोचकर कहा, ठीक है तो हम एक बार देख लेते हैं, अगर पुजारी जी हमें मंदिर में मिल गए तो हम बात कर लेंगे, वरना हम कुछ देर उनका इंतजार करेंगे। इसी बहाने हम मंदिर दर्शन भी कर लेंगे और अनन्या का मन भी बहल जाएगा, वैसे भी हम कब से इन्हीं सब मामलों में उलझे हुए हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार। थोड़ी देर में सब मंदिर के लिए निकल गए। पाली के दक्षिण में स्थित माता के उस मंदिर में पहले भी ध्रुव लोग गए थे। मंदिर पहुंचने से पहले ध्रुव ने विक्की से कहा, हम पुजारी जी से डायरेक्ट कुछ नहीं बोलेंगे जिससे उन्हें कुछ बुरा लगे, लेकिन हम बातों ही बातों में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस रात उन्होंने वहां क्या क्या देखा या सुना। मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन करने के बाद उन्होंने पुजारी जी के शिष्य से पूछा, पुजारी जी कहाँ मिलेंगे? लेकिन पुजारी जी का शिष्य इनकार करता हुआ बोला, वो अभी नहीं मिलेंगे, किसी काम से बाहर गए हैं, कब तक आएंगे बताकर नहीं गए। ये जान लेने के बाद कि पुजारी जी अभी नहीं मिलेंगे, ध्रुव और विकी का मूड ऑफ हो गया, क्योंकि वो लोग अपने मन में बहुत सारी चीजें लेकर आए थे जो पुजारी जी से जानना चाहते थे,
लेकिन अब क्या कर सकते थे सिवाय इंतजार करने के। वही अनन्या उस पूरे खूबसूरत मंदिर को निहारते हुए बोली, मंदिर दर्शन भी हो गए, पुजारी जी नहीं मिले तो अब इतनी देर यहीं रुकेंगे क्या? जुल्मी ने सबके चेहरों की तरफ देखा और पेनड्राइव वाले मैटर को याद कर उसने सोचा अनन्या को थोड़ा इम्प्रेस किया जाए, इसलिए उसने चापलूसी करते हुए कहा, यहाँ क्यों रुकेंगे, चलिए मैं आप लोगों को इस दुनिया की सबसे बढ़िया वाली चाय पिलाकर लाता हूँ। वो देखिए पास में जो नदी बहती दिख रही है, वहां पर एक चाय की दुकान है, अक्सर मंदिर आने वाले लोग वहां जाते हैं, बहुत अच्छी कुल्हड़ वाली चाय मिलती है। इसी बहाने आप लोगों का थोड़ा सैर सपाटा भी हो जाएगा और लौटते में अगर पुजारी जी आ गए तो उनसे भी मिल लीजिएगा। नदी का नाम सुनकर अनन्या उस तरफ देखकर चहकते हुए बोली, नदी? वाओ, बहुत दिन हो गए स्विमिंग किए हुए, लेकिन मैंने कभी नदी में स्विमिंग नहीं की, हमेशा स्विमिंग पूल में ही किया है, इसी बहाने हम लोग स्विमिंग भी कर लेंगे। अनन्या की बात सुनकर विक्की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अनन्या तुम गांव में हो, गोवा में नहीं हो, जब मौका मिला वहीं स्विमिंग करने लगे। विक्की की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे और अनन्या उसे एक मुक्का मारती हुई बोली, मुझे पता है ये गोवा नहीं गांव है और इसीलिए मैं बिकनी नहीं फुल कपड़े पहनकर नहाऊंगी। बिकनी का नाम सुनते ही जुल्मी के कान खड़े हो गए, उसने तुरंत पूछा, ये बिकनी क्या होता है? जुल्मी के इस सवाल पर ध्रुव, विक्की और अनन्या हंसने लगे, लेकिन छलावा को कुछ समझ ही नहीं आया वे क्या बात कर रहे हैं। ध्रुव ने कहा, अरे जब नदी समंदर या पूल में तैरते हैं तब पहनते हैं। जुल्मी बोला, अनन्या जी की तरह हमें भी नदी में तैरना पसंद है, अगर आपके पास वो बिकनी हो तो हमें देना, हम भी पहनेंगे। जुल्मी की ये बात सुन सब जोर जोर से हंसने लगे। ध्रुव बोला, हाँ जरूर भाई, ये तो तुम्हें पहनना ही चाहिए, तुम्हारी बॉडी भी फिट है, मस्त लगोगे। कहते हुए ध्रुव हंसने लगा। विक्की बोला, हाँ हम जुल्मी का फोटो शूट भी करेंगे और पाली गांव का कैलेंडर छपवाएंगे मॉडल जुल्मी के साथ। छलावा और जुल्मी दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग इतना हंस क्यों रहे हैं। अनन्या से जुल्मी की शक्ल देखी नहीं गई, उसने अपने मोबाइल में बिकनी की कुछ फोटो दिखाई और बोली, ये है बिकनी और ये लड़कियां पहनती हैं, समझे? छी छी छी, कैसी बातें करते हैं आप लोग, गांव का समझ के हमारा मजाक उड़ा रहे थे। कहते हुए जुल्मी नदी की तरफ बढ़ने लगा और बाकी सब उसके पीछे पीछे। नदी के किनारे पहुंचकर अनन्या बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसे चार दीवारी में बंद बंद से घुटन सी महसूस होने लगी थी। यहाँ चारों ओर बिल्कुल शांति फैली हुई थी, बस कभी कभार चिड़ियों के चहचहाने की आवाज गूंज रही थी। इतनी शांति और सुकून अनन्या ने शायद ही कभी महसूस किया था। अपने में मगन वो धीरे धीरे नदी के किनारे पानी को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। बाकी सब चाय की दुकान के पास चले गए। नदी के किनारे पहुंचते ही अनन्या बहुत एक्साइटेड थी। वो धीरे धीरे नदी में उतर रही थी, पानी उसके पैर पर थे तभी उसके ऊपर पानी के छींटे पड़े। उसने देखा तो ये ध्रुव था जो उसके ऊपर पानी फेंकते हुए मस्ती कर रहा था। जवाब में अनन्या ने भी ध्रुव के ऊपर पानी डाल दिया और हंसने लगी। बहुत दिनों बाद अनन्या को इतना खुलकर हंसते हुए देख ध्रुव को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मन में सोचा, हम इसीलिए तो आए थे इस गांव में घूमने के लिए, क्या ये सही वक्त है दिल की बात कहने के लिए? सोचते हुए उसने विक्की की तरफ देखा जो चाय की दुकान से ध्रुव की तरफ देख रहा था। दोनों की नजरें मिली और विक्की ने इशारे में कहा, जाओ आगे बढ़ो। इसके बाद ध्रुव की हिम्मत और बढ़ गई, लेकिन आज उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई फूल या वो अंगूठी जिसे उसकी दादी ने दिया था। उसने सोचा कम से कम हाथ में फूल तो होना ही चाहिए। ध्रुव ने नदी के पास में देखा तो गेंदे के पीले फूल लगे हुए थे। उसने सोचा, चलो रेड रोज ना सही, येलो फूल से ही काम चला लूंगा। ध्रुव ने फूल तोड़ा और विक्की की तरफ इशारा किया। विक्की ने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर ली और ध्रुव धीरे धीरे अनन्या के पीछे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ध्रुव ने देखा अनन्या पानी के साथ खेल रही थी और वो अपने चेहरे को पानी से धो रही थी, लेकिन ये क्या, वो अचानक रुक गई और कुछ सेकंड्स में पानी में गौर से देखने के बाद अचानक से उसके मुंह से चीख निकल गई। ध्रुव तेजी से उसकी तरफ भागा।